वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. दिस इज़ अगेन नवनीत कौर एंड दिस इज़ योर यूनिट टू एंड दिस इज़ पार्ट टू वीडियो ऑफ यूनिट टू. इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू प्लेन वेव. इंटरफेरेंस बाय अ प्लेन पैरेलल फिल्म इल्यूमिनेटेड बाय अ प्लेन वेव. इन दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट टू इंसिडेंट्स. One was a case of normal incidence and another was a case of oblique incidence, in which we have discussed all the cases and we have discussed the cases in this of Stokes theorem also, that a phase change of pi occurs when a ray is reflected from the surface of denser medium. तो हमने उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या निकाल ली थी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस निकाल ली कि जब भी आपके पास रिफ्लेक्शन होगी कहाँ से, डेंसर मीडियम से, तो उसमें फेज चेंज आ जाएगा कितने का, पाई का. फिर हमने एक और उसमें टॉपिक शुरू किया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म्स. थिन फिल्म होता क्या है, जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स डायमीटर. ठीक है, वो जैसे आपके पास इसका एग्जांपल एक आप ले सकते हो, जैसे कॉपर वायर है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स डायमीटर, तो वो किसके एग्जांपल में लाई करेगी, थिन फिल्म के एग्जांपल में ही लाई करेगी. अब थिन फिल्म के केस में हमने इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करना है, तो इसमें दो केसेस होते हैं एग्जाम में, आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण भी आ सकता है और ट्रांसमिटेड लाइट के कारण भी आ सकता है. अगर आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट आपको क्लियरली समझ आ गया, तो ट्रांसमिटेड लाइट आपको बिल्कुल सेम है, सेम उसी तरह से डेरिवेशन करेंगे, सिर्फ कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा जो है उसमें फ़र्क आएगा, बाकी आपका आर्टिकल सेम वैसे ही आपने डिराइव करना है. अब इसमें हमारे पास है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म्स. इसमें क्या है, ये हमने कल मैंने आपको बता दिया था, ये थ्योरी जो है चाहे ट्रांसमिटेड ले लो चाहे रिफ्लेक्टेड ले लो, दोनों में सेम रहेगी. उसके बाद मैंने ये डायग्राम डिस्कस किया था आपसे, इसमें मैंने जो टिप्स बताई थी आई एम अगेन रिवाइजिंग दैट टिप्स. अंदर वाले जितने भी एंगल्स हैं वो आर लेने हैं, बाहर वाले एंगल सारे आपने लेने हैं आई आई. ठीक है, तो अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशन शुरू. इसमें है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्टेड लाइट. इसमें क्या है आपके पास, रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण जो दो रेज इंटरफेयर हो रही हैं वो है बी क्यू और डी आर. ये सुपर इम्पोज होकर आपके पास क्या बना रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण इंटरफेरेंस पैटर्न. अब हमने क्या निकालना है, इन रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है उसके लिए आपने कंडीशंस निकालनी है मैक्सिमा मिनिमा की, और आपने निकालना है पार्ट डिफरेंस. तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपने कॉमन पार्ट ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे. तो हमने एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, तो ये आपके पास डी, सपोज आपने यहाँ पर डी एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, तो आपके पास डी एन परपेंडिकुलर एक जो ड्रॉ किया है बी क्यू रे के ऊपर, तो आपके पास ये क्या है, आपके पास एक कॉमन पाथ दो रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वो कह रहे हैं जो रे हैं बी क्यू और डी आर हैव अ कॉमन पाथ बियॉन्ड द प्लेन डी एन विच इज़ परपेंडिकुलर टू रे बी क्यू. द पार्ट डिफरेंस इन दोनों के लिए इसमें कैसे दिया जाएगा, पार्ट डिफरेंस देखो यहाँ पर, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी सी प्लस रे यहाँ से अंदर गई, फिर यहाँ से यही रे इधर गई, तो आपके पास टोटल पाथ अंदर वाला कितना ट्रेवल किया उसने, बी सी प्लस सी डी माइनस ये किस में ट्रेवल किया, फिल्म में, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना था म्यू. तो इसको कैसे लिखा जाएगा, बी सी प्लस सी डी इन फिल्म माइनस कॉमन पाथ है आपके पास बी एन, बी एन इन एयर. तो ये आपके पास इधर एयर है, जो हमने अगर रे यहाँ से ट्रेवल कर रही है बी सी प्लस सी डी, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा म्यू, फिर एयर वाला कॉमन पाथ जो हमने ड्रॉ किया है बी एन उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे वो है म्यू नॉट. हमें पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के लिए कितना होता है, यूनिटी. तो यहाँ पर आपके पास बी सी प्लस सी डी इंटू म्यू फिल्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स माइनस बी एन इंटू वन, तो आपके पास कितना आ जाएगा, बी एन ही आएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर वन, पाथ आपको समझ आ गया. अब वो कह रहा है भैया म्यू इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म. अब आगे कह रहा है सबसे पहले इन ट्रायंगल बी एम सी, अब हमने ट्रायंगल्स में लगाने हैं बी एम सी, राइट एंगल ट्रायंगल बी एम सी, ये भी एक नॉर्मल है, परपेंडिकुलर होगा ये.
हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है, एंगल जोन सा बनता है वो बनता है हमेशा हाइपोटन्यूज और बेस के बीच में। एंगल इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन, ये यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो एंगल किस किस के बीच में बन रहा है, एक हाइपोटन्यूज और बेस के बीच में। तो बच्चों की साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। सबसे पहले इस ट्रायंगल में आपने लगाना है कॉस ऑफ आर, तो कॉस ऑफ आर होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, बेस का मतलब एम सी अपॉन हाइपोटन्यूज बी सी। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, इन ट्रायंगल बी एम सी कॉस आर इज बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, तो बेस आपके पास कितना था एम सी अपॉन हाइपोटन्यूज बी सी। अब मेरे पास बट एम सी किसके इक्वल है, दोबारा से डायग्राम पे वापस चलते हैं। एम सी देखो आपके पास है थिकनेस ऑफ द फिल्म, तो एम सी की जगह तो टी आ जाएगा, स्मॉल टी, और बी सी की जगह क्या आएगा, अब बी सी ऊपर चला जाएगा, कॉस आर नीचे आ जाएगा। आपके पास बी सी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो बी सी की वैल्यू सबसे पहले निकलेगी, दैट इज़ टी बाई कॉस ऑफ आर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब इसी तरह से इन ट्रायंगल बी एंड डी, अब ट्रायंगल में आ जाओ बी एन डी, ऊपर वाला ट्रायंगल बी एन डी, अगेन यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो ही देखोगे आई और आर वाले एंगल। ऐसे तो यहाँ भी 90 का बन रहा है, ये भी आपने निकाला था खुद, लेकिन जो एक्चुअल में एंगल जो हमने ड्रॉ किए हैं वही एंगल देखने हैं, उसी में लगानी है। एंगल इज फॉर्म बिटवीन हाइपोटन्यूज एंड बेस, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ये एक आई जो एंगल लिया हुआ है हमने इन ट्रायंगल बी एंड डी, अब बी एंड डी में आपने साइन ऑफ आई निकालना है। दोबारा लगाओगे प्रॉपर्टी, एंगल इज फॉर्म बिटवीन हाइपोटन्यूज एंड बेस, जो बची हुई साइड है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो आपके पास यहाँ पर साइन ऑफ आई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल इज फॉर्म बिटवीन हाइपोटन्यूज एंड बेस, बची हुई साइड परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, परपेंडिकुलर इज बी एन एंड हाइपोटन्यूज है आपके पास बी डी। तो आपके पास यहाँ से बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी डी इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू बी एन। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू देखो, इसे ट्वाइस ऑफ बी एम कैसे लिखी है, बी डी एम आपके पास क्या है, मिड पॉइंट, मैंने कल बताया था एम इस तरह से ड्रॉ करना है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, एम आपका है इसमें मिड पॉइंट, तो इसका मतलब बी एम किसके इक्वल है एम डी के, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ बी एम लिख सकते हैं बी डी को, तो वही क्या हुआ है, बी डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी एम इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू बी ऑफ एन। सो इन ट्रायंगल बी एम सी, बी एम सी में आ जाओ, बी एम सी दोबारा आ गया, इसमें हमने पहले लगाया था कोस ऑफ आर, अब इसमें लगाएंगे साइन ऑफ आई, इन ट्रायंगल बी एम सी, तो इसमें हम लगाएंगे टेंजेंट ऑफ आर, आर ही है ना, आई तो एंगल है ही नहीं, तो इसमें अब क्या लगाएंगे, सबसे पहले इसमें लगाया कोस ऑफ आर, अब लगाएंगे टेंजेंट ऑफ आर, टेंजेंट ऑफ आर का मतलब एंगल इज फॉर्म बिटवीन अगेन हाइपोटन्यूज एंड बेस, बची हुई साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो बच्चों को यही नहीं पता चलता हाइपोटन्यूज क्या है, बेस क्या है, आपने बस एक ही चीज़ याद रखनी है, एंगल इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन हाइपोटन्यूज एंड बेस। अब आपने क्या करना है, इसमें आपके पास टेंजेंट ऑफ आर जब लगाओगे तो क्या आ जाएगा, वो किसके इक्वल, बी एम बाई एम सी। तो आपके पास यहाँ पर टेंजेंट ऑफ आर किसके इक्वल आएगा, बी एम बाई एम सी, बी एम हमें नहीं पता कितना है, एम सी मुझे पता है, एम सी क्या है आपके पास थिकनेस ऑफ द फिल्म, तो इधर आ जाएगा स्मॉल टी, तो थिकनेस ऑफ फिल्म में स्मॉल टी पुट कर दिया, तो बी एम की वैल्यू आपकी निकल के आ गई यहाँ से, टी इंटू टेंजेंट ऑफ आर इज इक्वल्स टू बी ऑफ एम, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। तो हमने यहाँ तक फोर इक्वेशंस डिराइव कर ली हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये आपके पास, आगे चलते हैं। बट फ्रॉम स्नेल्स लॉ हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर होता है, तो साइन आई किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू इंटू साइन ऑफ आर, दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव। पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन आई फ्रॉम इक्वेशन फाइव एंड बी एम फ्रॉम इक्वेशन फोर, देख सकते हो आप यहाँ से बी एम फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड किस में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन थ्री। तो थ्री इक्वेशन क्या है आपके पास, ये रही थ्री इक्वेशन, मैंने बोला है आपके पास आपने कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, एक बी एम की, पुट इन द वैल्यू ऑफ साइन आई एंड बी एम इन इक्वेशन थ्री। तो एक इक्वेशन में पुट कर देंगे आपके पास बी एन किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी एम इंटू साइन आई, ये इक्वेशन थी आपके पास, ट्वाइस ऑफ बी एम इंटू साइन आई, वैल्यू पुट कराएंगे बी एम की, टी टेंजेंट आर साइन आई की, म्यू साइन आर, टेंजेंट आर आपको पता है साइन आर बाय कोस आर होता है, म्यू साइन आर, तो टू
म्यू टी इज इक्वल टू इनटू साइंस के आर बाय कोस ऑफ आर हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी एंड बी एन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 6 इन इक्वेशन 1. अब आपको पता है बी सी और बी एन की वैल्यू. बी एन की वैल्यू 6 इक्वेशन से पुट करनी है और बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट करनी है. किस में? इन इक्वेशन 1 में. 1 इक्वेशन जो सबसे पहले डिराइव करी थी ये वाली इक्वेशन में बी सी की और बी एन की वैल्यू पुट करवा देंगे. बट मुझे पता है बी सी किसके इक्वल है? सी डी के. इस डायग्राम में देखो यह एक एसोसिएटिव ट्रायंगल है तो बी सी किसके इक्वल है? सी डी के. तो यहाँ पर मैं ट्वाइस ऑफ बी सी भी लिख सकती हूँ इसको. ठीक है, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा फिर? बी सी था सी डी के इक्वल, तो बी सी की वैल्यू मैंने निकाली हुई टी बाय कोस आर. अगेन बी सी प्लस सी डी. सी डी भी था बी सी के इक्वल, तो यहाँ भी टी बाय कोस ऑफ आर इंटू म्यू माइनस बी एन की वैल्यू टू में टी साइंस के आर बाय कोस ऑफ आर. तो इधर आ जाएगा आपके पास 2t बाय कोस ऑफ आर. बाहर म्यू मल्टीप्लाई में हो रहा है तो इधर आ जाएगा 2 म्यू टी बाय कोस ऑफ आर माइनस 2 म्यू टी साइंस के आर बाय कोस ऑफ आर. 2 म्यू टी बाय कोस ऑफ आर कॉमन ले लेंगे, इधर आएगा 1 माइनस साइंस के आर. तो 2 म्यू टी बाय कोस ऑफ आर 1 माइनस साइंस के थीटा इज कॉस के थीटा. कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर सिर्फ सिंगल कॉस बचेगा. तो डेल्टा आपका किसके इक्वल होगा? 2 म्यू टी इंटू कॉस ऑफ आर के. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. इस लॉ को बोलते हैं हम कोसाइन लॉ. दिस लॉ इज नोन एज कोसाइन लॉ. तो आपने यहाँ तक तो डिराइव करना ही करना है रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए. अब इसके बाद जो इसके केसेस बनेंगे वो भी हमने लिखने हैं. पहला लिखा जाएगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए. हमें पता है यहाँ से रिफ्लेक्शन, ये है ग्लास प्लेट जिसका जो ये है आपके पास ग्लास फिल्म जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एज दैट ऑफ एयर. तो जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी तो इसमें फेज चेंज होगा पाई का. तो इसका मतलब जब भी फेज चेंज ऑफ पाई चेंज होगा अक्कर होगा तो आपके पास कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा क्या हो जाएंगी? रिवर्स. तो इसमें अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा 2 म्यू टी इंटू कॉस ऑफ आर किसके इक्वल हो जाएगा? 2 एन प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के. तो आपके पास ब्राइट बैंड्स बनेंगे, फिल्म विल बी ब्राइट. अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो इस केस में आपके पास द फिल्म विल बी ब्राइट. अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो 2 म्यू टी इंटू कॉस ऑफ आर किसके इक्वल हो जाएगा? एन इंटू लैम्डा के. ठीक है, तो आपके पास इसमें फिल्म क्या होगी? आपके पास डार्क बनेगी. वेयर एन इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. हेयर ऑल्सो एन इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. तो ये आपके पास था रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए कम्प्लीट डेरीवेशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट डेरीवेशन है आपकी. तो ये आपका यहाँ पर आर्टिकल जो है वो ख़त्म होता है. इसी के साथ जो सब आर्टिकल है वो है ट्रांसमिटेड लाइट के लिए. अगर एग्ज़ाम में आ जाता है स्पेशली मेंशन कि आपने रिफ्लेक्टेड के लिए करना है या फिर ट्रांसमिटेड के लिए करना है तो आप सिर्फ उसी के लिए ही निकाल कर आओगे. लेकिन आपके पास अगर कॉमन क्वेश्चन आता है कि आपने थिन फिल्म के लिए निकालनी है कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, तो आप कोई भी एक करके आ सकते हो. चाहे आप रिफ्लेक्टेड के लिए दिखा दीजिए, चाहे आप ट्रांसमिटेड के लिए दिखा दीजिए. तो यहाँ पर सेम उसी तरह से डेरिवेशन होगी, सिर्फ डायग्राम भी यही वाला सेम बनेगा. सिर्फ आपके पास जो चेंज होगा वो ये है, अब आपने ट्रांसमिटेड के कारण दिखानी है. अब रिफ्लेक्टेड वाले लाइट नहीं लेंगे. जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ स्टडी किया जाएगा वो ट्रांसमिटेड के कारण स्टडी किया जाएगा. मतलब सी ई और एफ जी इंटरफेयर होकर क्या बनाएंगे? इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी. तो आपने इसके ऊपर एक कॉमन पार ड्रॉ कर देना है, एच एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. तो आपके पास इसके लिए कंडीशन कैसे मिलेंगी? सी डी प्लस डी एफ इन फिल्म म्यू से मल्टीप्लाई माइनस कॉमन पाथ सी एच इन एयर मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट. ठीक है, तो इस तरह से अब आप क्या निकाल दो फ्री के लिए? इसके लिए देखो सी डी प्लस दिस. सेम इसी तरह से डेरिवेशन करेंगे जिस तरह से आपके पास हमने किसके लिए करी है, आपने रिफ्लेक्टेड के लिए करी है. तो आप डेरिवेशन, ये वाली जो डेरिवेशन है आप खुद स्टूडेंट्स कर सकते हैं ईजिली. कोई भी जो अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से समझ सकते हैं. सेम उसी तरह से डेरिवेटिव पार्ट रिपीट करेंगे. आपके पास पहले एक में आप क्या लगाओगे? सी एच एफ में लगाएंगे, फिर सी डी एल में लगाएंगे, वहाँ से आपके पास सी एच आ जाएगा, फिर सी ओफ एल निकालोगे, वहाँ पर भी स्नेल्स लॉ आया था, यहाँ भी स्नेल्स लॉ लगाएंगे, फिर साइन आई और सी एल की वैल्यू हमने
जो इक्वेशन सी एच वाली बनाई थी उसमें पुट करवा देंगे, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये वैल्यूज़ आपने इसमें फिर जो आई थी आपके पास इक्वेशन नंबर वन जो हमने जनरल बनाई थी उसमें हम पुट कर देंगे। कॉमन लेने के बाद साइंस के आर टू मीटर इंटू कॉस ऑफ आर, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। फिर बाद में जो चेंज आएगा वो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, वो कह रहे हैं देर इज़ नो एडिशनल पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय टू एज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रेयर मीडियम। कैसे? यहाँ पर कंडीशन हो मैक्सिमम मिनिमम रिवर्स क्यों नहीं होंगी? क्योंकि लाइट एक तो कर रही है ट्रांसमिट, सिर्फ रिफ्लेक्शन में ही होता है फेज चेंज ऑफ पाई। वैसे भी यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रही है, ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है, यहाँ से कोई भी जो रे है, तो जब रिफ्रैक्शन हो रही है तो फेज चेंज ऑफ पाई आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा रिवर्स नहीं होंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप क्या लिखोगे? एन इंटू लैम्डा वही रहेंगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए टू एन प्लस वन इंटू लैम्डा बाई टू। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा किस किस में चेंज देखा आपने? लाइओड मिरर में एक, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट में देखा, और एक स्टॉक्स थ्योरम में। इन तीन में कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा आपकी रिवर्स होती हैं, बाकी प्रिज्म बाय प्रिज्म में आपके पास और इंटरफेरेंस में जब आपने जनरल एक्सप्रेशन निकाला था उसमें आपके पास वही कंडीशन देंगी ये वाली कि टू म्यूटी अगर एन इंटू लैमडा के इक्वल होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, अगर ओड मल्टीपल ऑफ लैमडा बाय टू के इक्वल होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो ये आपके पास था स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट और ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, सो गो थ्रू दिस वेरी सिंसियरली। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म्स। अब जो से आपके पास थिन फिल्म्स होती हैं उसमें कलर्स कैसे जो है वो ऑब्जर्व होगा, प्रोडक्शन कैसे होगी कलर्स की, तो उसमें आपने ये लिखना है कि हमें पता है जो पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फिल्म। एक तो आपके पास टॉप ऑफ द फिल्म होता है और एक बारी बॉटम से रे रिफ्लेक्ट होती है। वो कह रहे हैं जो पार्ट डिफरेंस आता है ना जब रेज कमिंग होती हैं टॉप और बॉटम ऑफ द फिल्म, तो टू म्यू टी जो है वो डिपेंड करता है म्यू के ऊपर, लैम्डा के ऊपर, टी के ऊपर और आर के ऊपर। वो कह रहे हैं टू म्यू टी डिपेंड्स अपॉन दिस दिस, ये सारी चीज़ें क्या हैं? कॉन्स्टेंट। बॉटम ऑफ द फिल्म टू म्यू टी डिपेंड्स अपॉन दिस वेयर लैम्डा एंड आर आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ द आई विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पार्ट ऑफ द फिल्म टी एंड आर आर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से टू म्यू टी पहले तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लैम्डा म्यू लैम्डा टी एंड आर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू आई फॉर द गिवन पार्ट ऑफ द फिल्म टी एंड आर आर कॉन्स्टेंट। वो कह रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर पोजिशन टी एंड आर आर कॉन्स्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल तो क्या रहेंगे? कॉन्स्टेंट, ठीक है। थिकनेस भी फिल्म की उतनी रहेगी जितनी है, लेकिन हमें पता है जो पार्ट डिफरेंस आगे किसके ऊपर फर्दर डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर। अब हमें पता है वाइट लाइट जोन से होती है वो डिफरेंट कलर्स की होती है, हैंस ओनली दोज कलर्स और वेवलेंथ्स हैंस ओनली दोज कलर्स और वेवलेंथ विल बी ऑब्जर्व। तो हमें सिर्फ वही कलर्स और वेवलेंथ्स दिखाई देंगी विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मिनिमा विल बी मिसिंग और एज अ रिजल्ट द फिल्म अपीयर्स कलर। वो कह रहे हैं हम सिर्फ वही ऑब्जर्व कर पाएंगे विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड दोज वेवलेंथ विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मिनिमा विल बी मिसिंग। तो हमें वो वाले कलर्स दिखाई देंगे जो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, विल बी ऑब्जर्व विच satisfy the condition of maxima and those colors will be missing which satisfy the condition of minima and which satisfy the condition of minima will be missing, as a result the film appears colored।
तो कहीं आपको ब्राइट कलर दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा, कहीं कलर अगेन नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से आपके पास क्या बनता जाएगा, बैंड्स बनते जाएंगे। तो इस तरह से आपको फिल्म कैसे दिखाई देगी, इट विल अपीयर कलर्ड। अब नेक्स्ट जो है इसमें वो है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके पास जो कंसेप्चुअल में आते हैं, हाउ द फिल्म इज़ कलर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसेप्चुअल में जो आता है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स। आप एक्सटेंडेड सोर्स क्यों यूज़ करते हो एज दैट ऑफ पॉइंट सोर्स। यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू बताया गया है, जब आप प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते हो तो उसमें भी आपको एक एक्सटेंडेड सोर्स ही दिया जाता है इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अ पॉइंट सोर्स। ऐसा क्यों होता है, अगर आप पॉइंट सोर्स यूज़ करोगे तो देखो यहाँ से जो लाइट वे आ रही है 103 से, ये यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, इसके लिए रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई हुई है, तो यहाँ भी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ भी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसका मतलब एट ए टाइम ऑब्जर्वर जो है वो तो एक ही जगह पे रह के पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकता है, तो उसकी पूरे रेंज में ये जो सी आपके पास पैटर्न नहीं आ रहा, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम होगी देखने में, पूरा पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला सोर्स नहीं लेते। वो कह रहे हैं इन द अबव केस अ रेज इंसिडेंट ऑन द फिल्म एट सम एंगल एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू रेज 1 and 2 के कारण। ठीक है, ये है आपके पास 1, ये है 2, इस रे को नाम दिया हुआ है 3, 5, ठीक है इसको 6 दे दीजिए जाए। वो कह रहे हैं इन द अबव केस अ रेज इंसिडेंट फिल्म एट एन एंगल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू रे 1 and 2, अदर पार्ट ऑफ द रे 3 इज इंसिडेंट ऑन द फिल्म एंड रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग 5 and 6। वो कह रहे हैं अब यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट हुई है एंड इज रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग 4 and 5 टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, बट एट अ टाइम एन ऑब्जर्वर कैन प्लेस एट अ पर्टिकुलर पोजिशन, सो कम्प्लीट व्यू जो है वो मिसिंग हो जाएगा इफ़ अ पॉइंट सोर्स इज यूज। बट अगर आप एक्सटेंडेड सोर्स ले रहे हो तो एक्सटेंडेड सोर्स में आपके पास क्या होगा, यहाँ से मैंने एक एक्सटेंडेड सोर्स ले लिया है, ये लाइट यहाँ से भी आ रही है, यहाँ भी फॉल कर रही है, यहाँ पर अब जो आपके पास पैटर्न आ रहा है वो कम्प्लीट दिखाई दे रहा है। अगर वो कह रहा है अगर एक्सटेंडेड सोर्स लोगे सो फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट कम्प्लीट पैटर्न इज ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर, सो नो पैटर्न विल बी मिसिंग। इसलिए हम क्या प्रेफर लेना पसंद करते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स यूज़ करते हैं एज दैट ऑफ पॉइंट सोर्स, क्योंकि अगर पॉइंट सोर्स लेंगे तो पैटर्न आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर दिखाई देगा अलग अलग पोजिशंस पर, लेकिन एक्सटेंडेड में आपके पास पैटर्न जो है वो सुपर इम्पोज होकर एक ही जगह पर दिखाई देगा, जिस कारण हम कौन सा वाला पैटर्न लेते हैं, हम कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे, एक्सटेंडेड सोर्स लेंगे। तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। तो इसमें आपके पास दोबारा से इसकी जो नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स है उसकी थ्योरी देख लो। इन द अबव केस अ रे इज इंसिडेंट ऑन द फिल्म एट सम एंगल। वो कह रहे हैं रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है किसी भी एक एंगल पे और इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही है ड्यू टू रे इस 1 के कारण, इस 2 के कारण जो सुपर इम्पोज हो रही है। सिमिलरली जो इसका अदर पार्ट है रे 3 से जो अदर पार्ट आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है फिल्म के ऊपर और रिफ्लेक्ट हो रहा है 4 and 5 के अलॉन्ग, तो यहाँ से आपके पास क्या दिखाई देगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। लेकिन यहाँ भी इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है, यहाँ भी इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है, तो ऑब्जर्वर को एट अ टाइम पूरा देखना चाहता है वो, तो पूरा तो उसको दिखाई नहीं देगा क्योंकि एट अ टाइम ऑब्जर्वर एक ही जगह पर रह के ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसीलिए हम कौन सा सोर्स लेना पसंद करेंगे, हम जो लेते हैं एक्सटेंडेड सोर्स लेते हैं एज दैट ऑफ पॉइंट सोर्स, ताकि जो ऑब्जर्वर है पूरा का पूरा पैटर्न को क्या कर पाए, विजुलाइज कर पाए। ठीक है, बट एट अ टाइम एन ऑब्जर्वर कैन प्लेस एट अ पर्टिकुलर पोजिशन सो कम्प्लीट व्यू विल बी मिसिंग। अगर आप कौन सा सोर्स लोगे, पॉइंट सोर्स इज यूज्ड। ठीक है, और यही अगर आप यहाँ से एक्सटेंडेड सोर्स लेते हैं जो कि आप प्रैक्टिकल्स में भी लेते हैं, आपको प्रैक्टिकल करते हुए भी जब मोनोक्रोमेटिक लाइट दी जाती है या वाइट लाइट भी दी जाती है तो इस तरह से ना बीच में ऐसे होल किया जाता है लैम्प के बीच में, एक वुडन बॉक्स होता है जिसमें से आपके पास लाइट यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ऐसा सोर्स नहीं लिया जाता, पॉइंट सोर्स नहीं लिया जाता। पॉइंट सोर्स का मतलब ये है कि आप कोई भी पेपर लो, उसमें एक पिन होल कर दो, पिन से होल कर दो, वहाँ से लाइट को पास करवाओ, तो एक पॉइंट सोर्स हो जाएगा। अगर आप एक्सटेंडेड सोर्स लोगे तो ये एक्सटेंडेड सोर्स है, ये आपके पास पॉइंट सोर्स है। ठीक है, तो अब आपके पास ये आपको आई होप समझ आ गया होगा।
की नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये कंसेप्चुअल में आता है 2 मार्क्स में, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसकी थ्योरी को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने दोनों ही जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक किए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिंजेस इन थिन फिल्म्स। उसमें हम वेज शेप्ड फिल्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसके ऊपर आप फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। देन थैंक यू स्टूडेंट्स।